नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर किस प्रकार यूज़ करना है जीएसटी की पेमेंट करने के लिए या फिर अदर लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए, इसके लिए सीबीआईसी के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि इसे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अमाउंट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, क्या उसे यूज़ किया जा सकता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत किसी भी टैक्स को पे करने के लिए। इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 49 सब सेक्शन 4 दिया गया है जो कि यह कहता है कि जो अमाउंट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसे यूज़ किया जा सकता है आउटपुट टैक्स की पेमेंट करने के लिए सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत है या फिर आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत है, और इसके लिए ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इसके लिए सेक्शन 49B में बताया गया है और रूल 88A में बताया गया है सीजीएसटी रूल्स में। इसके अलावा रूल 86 सब रूल 2 ये कहता है कि जो अमाउंट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट किया जाएगा वो उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए डेबिट किया जा सकता है जो कि सेक्शन 49A या फिर सेक्शन 49B में मेंशन की गई हैं। इसके अलावा आउटपुट टैक्स क्या होता है जीएसटी एक्ट में, इसे एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि जब कोई गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई की जाती है और वो टैक्सेबल सप्लाई है उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसे आउटपुट टैक्स कहा जाता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2 सब सेक्शन 82 के अंतर्गत। लेकिन इसके अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जो जीएसटी पे किया जाता है उसे एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि वो अमाउंट नहीं आता है। इसलिए सीबीआईसी ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ कर सकते हैं, भले ही वो आउटपुट टैक्स आपका सेल्फ सर्ज्ड हो रिटर्न में या फिर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई हो और उसमें जो टैक्स पेबल है वो आया हो। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि नॉर्मली यदि डिमांड निकल जाती है जीएसटी की तो आप कैश लेजर से पे करते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आप सेल्फ सेस्ड जो रिटर्न में आपका जीएसटी है या फिर जो प्रोसीडिंग के दौरान पेबल निकला है यानी कि डिमांड निकली है उसे भी आप पे कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। लेकिन यहाँ पे फर्दर क्लैरिफाई किया गया है कि आउटपुट टैक्स के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जो जीएसटी आता है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। इस प्रकार आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जो जीएसटी बनता है उसे पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसकी पेमेंट आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही करनी होगी। क्या जो अमाउंट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसे यूज़ किया जा सकता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत किसी भी लायबिलिटी को पे करने के लिए, इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि सेक्शन 49 सब सेक्शन 4 जीएसटी एक्ट का ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ कर सकते हैं सिर्फ आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत या फिर आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ नहीं किया जा सकता है इंटरेस्ट पेनल्टी फीस या किसी और अमाउंट को पे करने के लिए। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ नहीं किया जा सकता है एरनस रिफंड को पे करने के लिए जो कि सैंक्शन किया गया था जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कैश में। इस प्रकार आपको ये जो अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे करना होगा। क्या जो अमाउंट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसे यूज़ किया जा सकता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत किसी भी लायबिलिटी को पे करने के लिए, इसके लिए क्लैरिफाई किया है सीबीआईसी ने कि सेक्शन 49 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि जो अमाउंट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसे यूज़ किया जा सकता है आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए भी। इसके अलावा यदि आपकी इंटरेस्ट पेनल्टी फीस या कोई और अमाउंट की लायबिलिटी है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत तो उसे पे करने के लिए भी आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्स की पेमेंट करनी है सेक्शन 49 के तहत, और इसके अंतर्गत बताया गया है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को किस पर्पस से यूज़ करना है, यानी कि आप टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस या अदर अमाउंट को पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है।
इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका यदि IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो सबसे पहले आपको उसे यूज़ करना है IGST को पे करने के लिए। यदि बैलेंस बच जाता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं CGST, SGST या फिर UTGST की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। इसी प्रकार जो CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, सबसे पहले आप यूज़ करेंगे CGST को पे करने के लिए, उसके बाद यदि रिमेनिंग अमाउंट है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं IGST की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। इसी प्रकार जो SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, सबसे पहले आप यूज़ करेंगे SGST को पे करने के लिए, यदि रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं IGST को पे करने के लिए। इसी प्रकार UTGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट, सबसे पहले आप UTGST को पे करने के लिए यूज़ करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे आप यूज़ कर सकते हैं IGST को पे करने के लिए। आपको इंश्योर करना है कि आप सेंट्रल टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ नहीं कर सकते हैं स्टेट टैक्स या यूटी टैक्स को पे करने के लिए। इसी प्रकार जो SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है या UTGST का, उसे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं CGST को पे करने के लिए। इसके बाद गवर्नमेंट ने सेक्शन 49A भी इंसर्ट किया था GST एक्ट में, जो कि यह कहता है कि आप CGST, SGST, UTGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी यूज़ कर सकते हैं IGST, CGST, SGST या UTGST को पे करने के लिए, यदि आपका जो IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कम्प्लीटली यूज़ हो चुका है, यानी कि फुल्ली एग्जस्ट हो चुका है, उसके बाद ही आप CGST, SGST या UTGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करेंगे। सेक्शन 49B GST एक्ट का ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर प्रिस्क्राइब कर सकती है कि किस ऑर्डर में आपको IGST, CGST, SGST या UTGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करना है टैक्स को पे करने के लिए। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने रूल 88A में ये बताया था कि किस ऑर्डर में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करना है, यानी कि जो IGST का ITC है वो सबसे पहले आपको यूज़ करना है IGST को पे करने के लिए, और यदि रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं CGST, SGST या फिर UTGST को पे करने के लिए किसी भी ऑर्डर में, यानी कि चाहे तो पूरा जो IGST का बैलेंस रह गया है ITC का आप SGST को पे करने के लिए यूज़ कर लीजिए, या CGST को पे करने के लिए यूज़ कर लीजिए, या 50% CGST को 50% SGST को पे करने के लिए यूज़ कर लीजिए। और जो CGST, SGST या UTGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप यूज़ कर सकते हैं IGST, CGST, SGST या UTGST को पे करने के लिए, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया हो, उसके बाद ही आपको CGST, SGST या फिर UTGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करना है। दोस्तों, रूल 88A की एप्लीकेबिलिटी को गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझाया था। मान लीजिए व्यक्ति के पास 1300 का IGST का ITC है, 200 का CGST का ITC है, 200 का SGST का ITC है, और ये टैक्स लाइबिलिटी दी गई है IGST की, CGST की और SGST की। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपना IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करना है, तो 1300 में से 1000 रुपीज़ वो यूज़ करेगा IGST को पे करने के लिए, बैलेंस रुपीज़ है उसमें से वो यूज़ कर सकते हैं CGST को पे करने के लिए या फिर SGST को। तो मान लीजिए यहाँ पे 200 रुपीज़ CGST को पे करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, 100 रुपीज़ SGST को। इस प्रकार अब आपका IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है, यानी कि यूटिलाइज हो चुका है। तो जो बैलेंस आपकी लाइबिलिटी है 300 रुपीज़ CGST की थी, उसमें से 200 रुपीज़ आपने यूज़ कर लिया है IGST का ITC, तो 100 रुपीज़ आप CGST का ITC यूज़ करेंगे, तो बैलेंस 100 रुपीज़ का CGST का ITC आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसी प्रकार 300 रुपीज़ की आपकी SGST की लाइबिलिटी थी, 100 रुपीज़ आप यूज़ कर चुके हैं IGST का ITC, तो बैलेंस 200 रुपीज़ आप यहाँ पे CGST का ITC यूज़ कर लेंगे। तो इस प्रकार बैलेंस जो है जीरो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 है। या फिर ऑप्शन नंबर 2 आपके पास है कि आप जो IGST का ITC है वो 100 रुपीज़ ही CGST को पे करने के लिए यूज़ कीजिए, लेकिन 200 रुपीज़ SGST को पे करने के लिए यूज़ कर लीजिए। तो अकॉर्डिंगली जो CGST का ITC है और SGST का ITC है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप गवर्नमेंट के सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और GST की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।